हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा चार फंदों में बनने वाला स्वेटर डिजाइन लाए हैं। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बेबी स्वेटर, गर्ल स्वेटर, कार्डिगन, ब्लाउज, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा आता है। तो देखिए, ये डिजाइन हमारी 4 के मल्टीपल में है। दो फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं, तो आप 4 के मल्टीपल में और दो फंदे एक्स्ट्रा डाल लीजिए। कोई भी बॉर्डर पैटर्न बनाने के बाद आप ये पैटर्न बना सकते हैं। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो देखिए, डिजाइन की फर्स्ट रो दोस्तों हमारी सीधी साइड से बनेगी। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से एक फंदा हम स्लिप करेंगे, एक फंदा स्लिप किया, एक दो तीन, बैक साइड से हमें तीन फंदे लेने हैं, फिर एक फंदा बनाएंगे, बैक साइड से तीन फंदे लिए, एक फंदा बनाया, एक बार इस तरह से लपेटेंगे, जाली बनाएंगे, दूसरा फंदा हुआ, फिर पहले वाले फंदे से, ध्यान से देखिए, तीनों फंदे नहीं लेने, पहले वाले फंदे से इस तरह से पहले वाले फंदे से हमें बैक साइड से एक फंदा बनाना है। स्लिप कर देंगे इसको। ये दो फंदों को हमें स्लिप नहीं करना है, नहीं इसी पर रखना है। फिर इन दो फंदों को इस चौथे फंदे के साथ हमें लेते हुए, तीन फंदे हमने पहले लिए थे, चौथे फंदे के साथ लेते हुए हमें एक फंदा बनाना। ये देखिए, चार फंदों से एक दो तीन चार फंदे, एक पैटर्न हो गया। अब इसी को हमें रिपीट करना है। तो पहले हमें, पहली सिलाई में थोड़ा दिक्कत होगी, तीन फंदे बैक साइड से लेने हैं, इस तरह से एक फंदा बनाएंगे, फंदे थोड़े ढीले बनाइएगा, एक फंदा बनाया, एक बार इस तरह से लपेटेंगे, फिर पहले वाले फंदे को लेते हुए बैक साइड से एक फंदा बनाएंगे, इस वाले फंदे को स्लिप करेंगे, चौथे फंदे को दो फंदों के साथ लेना, बैक साइड से एक फंदा बनाएंगे। ये सेकेंड पैटर्न है, फिर ये रिपीट करना है। तीन फंदे लेंगे, एक फंदा बनाया, एक बार लपेटेंगे, फिर पहले फंदे से एक फंदा बनाएंगे, तीन फंदे हो गए, फिर इन दो फंदों को चौथे फंदे के साथ में, चौथे फंदे के साथ में से एक फंदा बनाना है, स्लिप कर देंगे। चार फंदों से हमने चार फंदे बनाए। ये हमारा सिलाई वाला है, जैसे इस तरह से सेकेंड रो सारे फंदे उल्टे बनाने, पीछे से हमें कुछ नहीं करना है,
सारे फंदों को उल्टा बना के कंप्लीट ये देखिए सेकेंड रो कंप्लीट हो गई, पैटर्न हमारा एक बन गया। इसे ही हमें रिपीट करना है, तो देखिए रिपीट रो इस तरह से एक फंदा उतारेंगे, तीन फंदों को साथ में लेना, तीन फंदे एक दो, ये देखिए तीन फंदे को हमने साथ में लिया, एक फंदा बनाया। इस तरह से एक फंदा बनाना है, एक बार इस तरह से उनको लपेटना है, फिर पहले वाले फंदे से इन दो फंदों को नहीं लेना है, सिर्फ पहले वाला फंदा से एक फंदा बनाना है, फिर इन दो फंदों को हमें चौथे वाले फंदे के साथ बैक साइड से एक फंदा करना है, इसको स्लिप कर देंगे। चार फंदों से टोटल चार फंदे कंप्लीट, तीन फंदे लेंगे, एक फंदा बनाया, एक बार इस तरह से लपेटेंगे, पहले फंदे को बैक साइड से लेते हुए एक फंदा बनाया, इसे स्लिप कर देंगे, फिर इन दो फंदों को हम चौथे फंदे के साथ फिर इसे एक फंदा बना के इसे भी स्लिप कर देंगे। चार फंदों से चार फंदे हमें बनाने, तीन फंदे लेने हैं, एक बार बनाया, एक बार लपेटना है इस तरह से, फिर पहले वाले फंदे को लेते हुए एक फंदा बनाएंगे, तीन फंदे हुए से स्लिप कर देंगे, चौथा फंदा लेते हुए एक फंदा बनाया, इसे स्लिप कर देंगे, फिर ये फंदा सीधा, ये देखिए पैटर्न इस तरह से बनेगा। पीछे से सारे फंदे उठे, ये देखिए पैटर्न इसी तरह से हमें बनाते जाना है, बस इन्हीं चार सिलाई दो सिलाइयों को रिपीट करेंगे दोस्तों। तो पैटर्न हमारा देखिए इस तरह से बन के आएगा। ये देखिए वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू सो मच।